हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। तुम हस्टिना की तरफ गई थी? मामू को बता के गई थी। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अब हर बात बतानी पड़ेगी मुझे तुम्हें? समर, मुझे तुम्हारे टीना के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों, तुम्हारे राज खुल जाते हैं इसलिए? कौन सा राज? यही कि अभी भी तुम दोनों रابطے में हो, उसे भी शायद तुम्हारे अलावा कोई और हमदर्द नहीं मिलता। जबान संभाल कर बात करो। जिस लड़की से अपना कैरेक्टर नहीं संभाला जाता, उसके लिए तुम मुझे मेरी जुबान संभालने के लिए बोल रहे हो? समझ, तुम बात बढ़ा रही हो। हाँ तो वो बढ़ा रही है। उसके साथ उसके घर में क्या होता है, इसके रोने उसे तुम्हारे साथ रोने जरूरी है? मेरा उसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम यकीन करना है तो कर लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मैं क्यों भाड़ में जाऊं बताओ? भाड़ में उसे जाना चाहिए जो ना खुद बचना चाहती है और ना मुझे बचने दे रही है। क्या हुआ सम? मैं हूं अपने बेटे से कह दें कि अब ये आंख मचोली का खेल बंद कर दे। पारस, पारस दरवाजा खोलो। क्या हिमाकत है? क्या करूं मैं बाबा, मैं जितनी कोशिश करता हूं उसे ना उलझूं, वो उतने ही मौके देती है। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ तो अपनी बर्दाश्त का दामन तो मत छोड़ो। उसकी हालत देखी है तुमने, इसीलिए तो खामोश हो। I'm sorry बाबा। बेटा मत उलझा करो उससे। यार बहुत बड़ी फिल्म है तू, मुझे तेरी समझ नहीं आती। तू मुझे कहता है कि तू टीना के साथ सीरियस नहीं है, लेकिन आज तो उसके घर से भी होकर आ गया और उसके पेरेंट्स को उम्मीद भी दिला दी। मैंने किसी को कोई उम्मीद उम्मीद नहीं दिलवाई है, मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि टीना जरा खुश हो जाए। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी खुशी की, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, बस अभी उससे थोड़ा काम लेना है। ये दो ही तो मोहरे मेरे पास अलिश्वा को उस घर से बाहर निकालने के लिए। दो मोहरे? एक तो टीना है, दूसरा कौन है? दूसरे पे तुझे बड़ा गुस्सा है। किसकी बात कर रहा है, कौन है दूसरा मोहरा? फयाज, हमारा एक्स ड्राइवर। उसने जो करना था कर लिया, अब क्या हो सकता है? अभी तो बहुत कुछ होगा, बस तू देखता रहे। मुझे तेरी बातें समझ नहीं आती। मेरी बात समझने के लिए मेरे जैसा दिमाग भी होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, मेरे पास शिजा की एक अपडेट है। ओ प्लीज, मुझे कोई शिजा की अपडेट नहीं चाहिए। सुन तो सही, वो बहुत बीमार है। सुनने में आया कि डिप्रेशन में चली गई है और अपने किसी रिलेटिव के पास कराची में रह रही है। तो मैं क्या करूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बात ये है कि उसके एक्स फ्रेंड्स ने उसको दोबारा शादी की ऑफर की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो ये ऑफर फौरन ले लेनी चाहिए। तू भी तो चांस ले ले। तेरा दिमाग तो ठीक है, आए देगी तुझे। उसकी दुआएं अगर चाहिए ना तो तुम ये चांस ले लो। तुझसे ना बात करनी है फिजूल। Hello, sweethearts. सारम से मिलके कैसा लगा था? लड़का तो अच्छा है और लग भी रहा था कि वो टीना की केयर करता है। बतिया, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, लेकिन आज बता देता हूँ। मैंने सारम की डिटेल्स पता की हैं। मुझे तसल्ली नहीं हुई उससे। समझी नहीं। देखो मदिया, बिजनेस तो उनका काफी फैला हुआ है, लेकिन सारा बिजनेस मुकम्मल तौर पर उसका भाई हैंडल करता है। सारम का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे तो टीना ने बिल्कुल इसके बरक्स बताया। मैं चाहता हूँ तुम टीना को सब कुछ बता दो, जरूरी नहीं है कि वो सारम के बारे में सब जानती हो। करूंगी मैं बात, लेकिन फुरकान ये भी तो हो सकता है कि सारम के भाई ने ये बिजनेस खुद अपने हाथ में रखा हो।
हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर सारिम टीना से शादी करना चाहता है और इंटरेस्टेड है तो उसे प्रैक्टिकल होना होगा। काफी इमेच्योर मशहूर है। इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं फरकान, लोगों की तो आदत होती है वहां मफाक के ऑब्जेक्शंस खड़ी करने। लेकिन उसके भाई की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। पहले वो दुबई में सेटल था, वहां होते हुए भी यहाँ सारा बिजनेस वही देखता था। ये तो मुझे टीना ने बताया। देखो मदिया, टीना की खुशी हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन हम टीना की खुशी के लिए कोई ऐसा फैसला भी नहीं कर सकते जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर ना हो। आप फिक्र ना करें, इस बात का अंदाजा टीना को भी है और मैं भी समझाऊंगी उसे कि वो सारिम को हर पहलू से जान ले। हाँ, और उसको ये भी बताना कि सारिम तब घर आए जब मैं भी घर में मौजूद हूँ। ये बात मैं ऑलरेडी उसे बता चुकी। ठीक। बेटा अगर मुनासिब समझो तो एक बात कर सकता हूँ? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मामू? आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ अपने बेटे की हिमायत में मुझे गलत साबित करने आए हैं तो प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मैं तुम्हें गलत कैसे समझ सकता हूँ? तुम मेरी बेटी हो, इस घर की मालकिन हो। लेकिन आपके बेटे की कुछ भी नहीं। यही तो बात है, जरा सी बात होती है और तुम गलत समझने लगती। जब वो किसी और के बारे में सोचता है तो मुझे गैर ही लगता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता, इसका यकीन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मामू आपने उसके लहजे में तलखी देखी थी, किस कदर नफरत करता है वो मुझसे, उख्ता गया है मुझसे वो। नहीं बेटा, वो तुमसे या तुम्हारी मोहब्बत से नहीं, तुम्हारे शक से उख्ता गया है। उसे तो इस बात पे भी एतराज है कि मैं टीना से क्यों मिलती हूँ। अगर एतराज है तो ना मिलो। वैसे हैरत है कि उसे एतराज क्यों है, मैं समझाऊंगा उसे। तो साथ में ये भी समझा दीजिएगा कि जब मेरे इतने समझाने के बावजूद आज दिन तक वो अलिश्पा को नहीं छोड़ सका तो मैं भी टीना को नहीं छोड़ सकती। बेटा वो अलिश्बा के साथ रابطے में नहीं है, इस बात को अपने ज़हन से निकाल दो। चले मान लिया कि फारिस नहीं है उसके साथ रابطے में, लेकिन अलिश्बा तो है ना। एक एक पल उसके साथ उस घर में क्या होता है सब फारिस को पता होता है। कैसे ऐसा क्या होता है उसके साथ? इन सब बातों की तफसील आपका बेटा ही आपको देगा। मान लिया कि फारिस नहीं है उसके साथ रابطے में, लेकिन अलिश्बा तो है ना। एक एक पल उसके साथ उस घर में क्या होता है सब फारिस को पता होता है। कैसे इन सब बातों की तफसील आपका बेटा है आपको देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, घर पे सब खैरियत है? हाँ बेटा, इसीलिए कॉल की है। बताएं बाबा, क्या हुआ है? बेटा समन की सिचुएशन तो तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेस ना है, लेकिन कुछ दिनों से वो फारिस के साथ अजीब सा बिहेव कर रही है। अब क्या हुआ है बाबा? पहले मुझे ये बताओ कि अलिश्बा ससुराल में खुश नहीं? बाबा वो। बेटा छुपाओ नहीं मुझसे, जो सच है वो बताओ। बाबा यही सच है, लेकिन अलिश्बा ने घर वालों से बात छुपाई हुई है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करे। वैसे बेटा साधन तो मुझे बहुत माकूल लड़का लगा। हाँ लेकिन आप क्यों पूछ रहे? बेटा अलिश्बा से कहो कि फारिस से अपनी परेशानियां डिस्कस मत किया करे, वो तो फारिस को अपना हमदर्द समझ के अपना दुख हल्का करती है।
लेकिन समन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बाबा मुझे तो नहीं लगता कि अलिश्पा ने कभी भी फारिस से राबता किया होगा, ये सब समन के वहम है। बेटा अगर तुम ये कहती कि अलिश्पा अपने घर में खुश है तो मैं मान भी लेता, लेकिन तुमने तो तस्दीक कर दी। एनीवे बेटा मेरी तरफ से अलिश्पा से ये रिक्वेस्ट करो कि वो फारिस से किसी किस्म का कोई राबता ना रखे। बाबा मेरा यकीन करें, अलिश्पा और फारिस का आपस में कोई राबता नहीं है। ठीक है अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। अलिश्पा तुमने कहा कि अपनी जुबान बंद रखो तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, ये सोचकर कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन तुम जिन हालात में रह रही हो ना, बाहर वालों को खबर है अलिश्पा फारिस आया था मेरे पास। सिर्फ कहा ही नहीं है, थ्रेट भी दिया है मुझे कि मैं तुमसे खुद जाके पूछूं, वरना वो खुद आके पूछ लेगा। टीना के थ्रू उसे पता चला है कि तुम किन हालात में इस घर में जी रही हो। फारिस तुम वाकई एक मुखलिस और सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान था। शायद तुम्हें समन के साथ शादी के लिए मजबूर करके जिस आजमाइश में मैंने तुम्हें डाला था उसी की सजा मैं भी काट रही हूं। हम एक नहीं हो सकते लेकिन फिर भी तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मुझे हौसला देती। काश काश मैं इतनी बेमुरव्वत होती कि साधन की वफा को बेमोल कर सकती, लौट आती तुम्हारे पास। खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूं मैं फारिस। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक हूँ माम। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही? भूख नहीं है। समय अपनी डाइट का ख्याल रखो। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। फारिस, फारिस बेटा। समुद ऐसे बात नहीं करते, उसे बहुत फिक्र है तुम्हारी। सिर्फ तब तक जब तक उसके अलिश्पा से रब्ते ना बहाल हो जाए। कोई रब्ता नहीं है अलिश्पा से बेटा। नहीं नहीं मामू, आप कभी मेरी तकलीफ को नहीं समझेंगे। आप नाश्ता करें, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं। फारिस, क्यों करते हो तुम इस तरह? आप ही मुझसे गिला कर रहे हैं। परेशान है वो, प्यार से समझाओ तो समझ जाएगी। प्यार से समझा समझा के थक गए हूं, असर नहीं होता उस पर। देखो बेटा अगर वो नहीं समझ रही तो तुम तो उसकी हालत को समझो। उसे इतना लिहाज नहीं है कि आपके सामने क्या बात करनी है और क्या नहीं। वो तुम्हारी तरफ से बहुत इनसिक्योर हो गई है। मेरी तरफ से नहीं, अलिश्पा की तरफ से। तुम्हारा अलिश्पा से वाकई कोई रब्ता नहीं है? या अल्लाह, आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? अब यही हाल है कि अलिश्पा को कॉल कर लें आप। बेटा मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन तुमने ये यकीन समन को दिलवा लें। मुझे तो डर है कि टेंशन में उसने अपनी सेहत को और खराब कर लेने, और टीना से भी मिलने से मना कर दिया तुमने। आई एम सॉरी टू से, पहले भी मेरे और समन के बीच इख्तलाफात मदीहा आंटी ने पैदा किए थे, और अभी भी वही लोग उसका दिमाग खराब कर रहे हैं।
अगर तुम कहो तो मैं मदिया से बात करूं। नहीं बाबा, पहले कौन सा उन्होंने आपकी बात की लाज रख ली। अच्छा आप फिक्र ना करें, मुंह ठीक हो जाएगा समन का। ओके। मुंह ठीक होना तो है नहीं। आज बहुत अच्छा लगा मुझे अनिष्पा कि तुम खुद से आ गई, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि जब मैं बुलाया करूंगी तभी आया करोगी। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब घर को इतना मिस करती हो तो आ जाया करो ना। सादान भी मुझे उस दिन कह रहा था कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। नहीं मामा, उनकी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं। तो फिर क्यों नहीं आती अनिष्पा? ससुराल में बहुत जिम्मेदारियां संभालनी है, बहुत काम करवाते हैं तुमसे। हाँ नफीसा ठीक है, वैसे कॉल की थी मैंने उसे, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि उसे मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगा। नहीं मामा, बस वो सारिम की वजह से परेशान रहती हैं काफी। सारिम से मिलने जाती हैं? जी। इन लोगों ने तो कहा था कि वो सारिम को बाहर सेटल करवा देंगे, अभी तक गया क्यों नहीं है? मामा वो मान नहीं रहा, और ऊपर से आंटी को लग रहा है कि मैं और सादान मिलकर उसे सजा दे रहे हैं कोई। सजा तो खत्म करवाई हमने उनके बेटे की। किसी तरह से प्रेशराइज तो नहीं कर रहे तुम्हें? नहीं मामा, लेकिन आपको तो पता है घर में तो टेंशन लगी रहती है। तुम परेशान मत हो अनिष्पा, सादान बहुत समझदार है, सुलझा लेगा इस मामले को। समझाता तो होगा ना सारिम को? नहीं, आजकल तो दोनों भाइयों की बिल्कुल बात नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे दोनों में कोई सर जंग छिड़ गई हो। समझाना चाहिए सादान को सारिम को, उसे अगर कोई नहीं समझाएगा तो उसकी मुंहजोरियां तो बढ़ जाएंगी ना। सादान तो अक्सर कहते हैं मुझे कि हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आंटी नहीं मानती, और सच कहूं मामा तो मुझे भी डर लगा रहता है कहीं दोबारा माजी में ना चले जाए सादान अपने। मतलब ये कि अगर उनकी पुरानी मोहब्बत के गम दोबारा ताजा हो गए फिर। अल्लाह ना करे शिफा, अल्लाह तुम दोनों का हमेशा निगहबान रहे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम टीना, कैसी हो तुम? जी ठीक ठाक। समन का नंबर काफी देर से ट्राई करी थी मैं, लेकिन ऑफ जा रहा है। हाँ बेटा, उसने दवा लिया, शायद सो रही होगी। सकीना जी, समन को देखो, अगर जाग गई है तो भेजो उसे। जी ठीक। बैठो। और मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे? जी बिल्कुल ठीक। समन का ब्लड प्रेशर कुछ नॉर्मल हुआ? नहीं बेटा, बस छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती है वो। अंकल कुछ बातें बाजार छोटी सी होती है लेकिन बहुत तकलीफ देती है। बेटा समन और फारिस खुश हैं एक दूसरे के साथ। अंकल समन तो खुशी रहना चाहती है लेकिन मसला फारिस का है, फारिस बहक जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी टू से अंकल, आपके घर के प्रॉब्लम्स में मेरा बोलना बनता तो नहीं है लेकिन समन की तकलीफ मुझे बहुत तकलीफ देती है। तो उसे बताओ, समझाओ उसे कि उसकी खुशी हम सबके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप फारिस से कहना वो अनिष्पा को अपनी जिंदगी से निकाल दे, समन की सब टेंशन खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही बात बना ली है तुम लोगों ने? फारिस का अनिष्पा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने मुकम्मल छानबीन की है। अजीब वहम पाल रखा है तुम लोगों ने। अंकल मैं इस बात की गवाह हूँ कि फारिस का अनिष्पा से अभी भी कांटेक्ट है, वरना जो बातें मैंने अनिष्पा से की वही जाके उसने फारिस को बता दी। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? देखो मैंने नवेरा से भी बात की, वो भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। नवेरा तो आपकी अपनी बेटी है ना, इसलिए उसकी बातों की तो इम्पोर्टेंस होगी आपकी नजर में, मेरी या समन की बातों की क्या अहमियत होगी आपकी नजर। अरे टीना तुम कब आए? बस अभी आई थी, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब है। कैसी मिल रहा? ठीक हूँ, बस आंख लग गई थी थोड़ा सा, शायद ब्लड प्रेशर हो। अंकल हम मंदिर चले जाए? श्योर। आज यशपा आंटी से फिर दोबारा कोई बात तो नहीं हुई?
बात तो रोज ही होती रहती है। सब दुआ करें कि अपने फैसलों पर साबित कदम रहो। कैसे कर रही हो तुम इतनी हिम्मत? आंटी से मुलाकात के बाद तो मैं तुम्हारे हालात के बारे में सोच सोच के बेचैन हो रही हूँ। बाबा भी बहुत परेशान होने लगता है कि फारिस तुम्हारे लिए बहुत टेंशन ले रहा है। लेकिन भाभी मेरा तो उससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। बताया ही मैंने बाबा को, लेकिन समन का वही प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि फारिस उसके साथ सिंसेयर नहीं है। और ऊपर से टीना ने तुम्हारे घर के सारे हालात समन के साथ शेयर कर दिए। उसने फिर से खौफ बिठा लिया है कि फारिस उसे छोड़ देगा। और निष्पा तुम्हें तो पता है ना कि समन प्रेग्नेंट है। अल्लाह करे उन्हें जल्दी औलाद की खुशी नसीब। लेकिन भाभी मैं अपनी लड़ाई फारिस के बगैर ही लड़ना चाहती हूँ, जैसे अभी लड़ रही हूँ। बस चलती हूँ, देर हो रही है। एक गलत फैसले ने फारिस और अलिश्पा की जिंदगियां खराब कर दी। काश इन दोनों के दुख का कोई दरमा हो सकता। अंकल मैं इस बात की गवाह हूं कि फारिस का अलिश्पा से अभी भी कांटेक्ट है। वरना जो बातें मैंने अलिश्पा से की वही जाके उसने फारिस को बता दी। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? मेरा तो आपकी अपनी बेटी है ना, इसलिए उसकी बातों की तो इम्पोर्टेंस होगी आपकी नजर में। मेरी या समन की बातों की क्या अहमियत होगी आपकी नजर में? अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा मैं जुबैर बात कर रहा हूँ, फारिस और नवेरा का बाबा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ। अगर इजाजत हो बेटा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, तुमसे मिलना है। जी जी अंकल, बेशक आप किसी भी वक्त आए, आपका अपना घर है। मुझे मालूम है बेटा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बात बहुत जरूरी है। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? I'm sorry अंकल, वहाँ तो नहीं आ सकती मैं। अभी तुम कहीं बाहर हो? जी वो मैं मामा की तरफ गई थी तो बस वहीं से वापस आ रही हूँ। तो बेटा तुम कहाँ हो? मैं वहीं पे आ जाता हूँ तुमसे मिलने। मैं अंकल मैं कुसार मार्केट में हूँ इस वक्त। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में आया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। बेटा इस तरह मिलना मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्या करता, हालात ही ऐसे हैं कि ना तुम्हारे घर आके बात हो सकती है ना ही मैं तुम्हें अपने घर बुला सकती हूँ, और फोन पे भी बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। कोई बात नहीं, आपने जो कहना है प्लीज कहिए। बेटा अल्लाह के करम से समन माँ बनने वाली, तुम्हें पता है ना कि इन हालात में ज्यादा केयर की जरूरत होती है। फारिस ख्याल रखता है उसका। मेरी तो हमेशा से ये दुआ थी कि तुम अपने घर में खुश रहो, फारिस और समन मिलके दोनों खुश रहें। अल्लाह को मंजूर नहीं था कि तुम दोनों एक हो सकते, इसलिए अब जी जी अंकल आपने जो कहना है बगैर किसी तमलीक के कहिए।
बेटा मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाओगी? बेटी समझ कर कहेंगे तो कभी बुरा नहीं मानोगे। फारिस से रابطे खत्म करूंगा। तुम्हारे फारिस से रابطे हमारे घर में भौचाल क्रिएट करते हैं बेटा। और समन इस बात को इतना सीरियस ले लेती है कि हमारी जान हलक में आ जाती है। अल्लाह समन के लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन अंकल मेरा तो फारिस से कोई रابطہ है ही नहीं। इनफैक्ट मेरी लास्ट मुलाकात भी उससे तभी हुई थी जब आप साथ थे। फोन पे भी रابطہ ना किया करो ना बेटा, और ना ही मैसेज करो। मुझे मालूम है कि तुम एक हमदर्द समझ के उससे रابطہ रखती हो, लेकिन बात समन को समझ नहीं आती। अंकल मेरे पास बस अल्फाज ही हैं आपको यकीन दिलाने के लिए। इजाजत हो तो चलूं मैं? हाँ बेटा जाओ, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कर। फारिस से रابطے खत्म कर। तुम्हारे फारिस से रابطے हमारे घर में भौचाल क्रिएट करते हैं बेटा। और समन इस बात को इतना सीरियस ले लेती है कि हमारी जान हलक में आ जाती है। मुझे मालूम है कि तुम एक हमदर्द समझ के उससे रابطہ रखती हो, लेकिन बात समन को समझ नहीं आती। बाबा भी बहुत परेशान होने लगता है कि फारिस तुम्हारे लिए बहुत टेंशन ले रहा है। समन का वही प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि फारिस उसके साथ सिंसियर नहीं है, और ऊपर से टीना ने तुम्हारे घर के सारे हालात समन के साथ शेयर कर दिए। उसने फिर से खौफ बिठा लिया है कि फारिस उसे छोड़ देगा। और निष्पा तुम्हें तो पता है ना कि समन प्रेग्नेंट है। तुम कब आ रही हो? जल्द। ये मामू कहाँ चले गए थे अचानक? नजर रखा करो अंकल पर, शर्म करो। लेकिन जब तुम आती हो मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश जाती हूँ। थैंक यू। जा रही हो बेटा? जी अंकल। ओके अल्लाह हाफिज़। आप कहाँ गए थे मामू? एक जरूरी काम था। ड्राइवर भाई ये मामू कहाँ गए थे? जमान साहब की बहन से मिलने गए थे। अलिश्पा से? जी जी उन्हीं से। अगर मेरी जुबान बंद रखवाना चाहती हो ना तो सारिम को वापस ले आओ। फारिस का जिक्र मेरी जुबान पर नहीं आएगा, बल्कि सारिम भी इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ये वादा है मेरा तुमसे। मुझे बात करनी है आपसे। जो भी कहना है जल्दी बोलो, मुझे सारिम के साथ लंच पे जाना है। आप सारिम को वापस बुलवा रहे हैं घर? मैंने सादान से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं। होना भी नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें अकल आ गई है तो उसे भी अकल आ जानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा उसे मुझसे कोई शिकायत ना। उसे तुमसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत उसे हमसे थी कि हमने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया। एनीवे मैं सारिम को तो ले आऊंगी, लेकिन तुम सादान को समझा लेना। मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं सारिम को यहाँ लाऊं सादान कोई तमाशा खड़ा करे। हेलो टीना। हाँ मैंने आंटी से बात कर ली। सारे आज रात तक अपने घर वापस आ जाए। तुम फिक्र मत करो,
सादान और इस घर को मैंने पूरी तरीके से अपना लिया। तुम्हें आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ। फाइनली इतने दिनों बाद अपनी माँ के साथ लंच कर। अब ये मौका मिलता रहेगा। क्या मैं वापस आ रही? मैं तुम्हें आज ही वापस घर लेके जा रही हूँ। अलिश्पा चली गई? नहीं, वो तो नहीं गई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया है कि उसकी सच्चाई अब सब पे खुल चुकी है। उसे सरेंडर कर देना चाहिए। मॉम, जब तक वो वहाँ होगी मैं नहीं आऊँगा, बात खत्म। लेकिन उसने खुद कहा है कि तुम वापस आ जाओ। अब बहुत इनोसेंट है मॉम, फिर से आपको बेवकूफ़ बना रही। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, आप उसे कहें कि वो मुझसे आके कह दे कि वो चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं तो मैं आ जाऊं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहे या ना कहे? मॉम देखें, लिश्वा बहुत चालाक लड़की है। फर्ज करें मैं घर वापस आ जाता हूं और लिश्वा के घर वाले पूछते हैं कि सारिम क्यों आया और लिश्वा कहती है कि मुझे नहीं पता, वो मुकर जाती है, फिर आपके और भाई के लिए कितना बुरा होगा? नहीं, लेकिन अगर उसने खुद रजामंदी दी है तो उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर वो इतनी ही सच्ची है तो उसे कह दें कि खुद आके मुझे अपनी सच्चाई का यकीन दिला, मैं वापस आ जाऊँ और इस तरह उसकी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मॉम, हमारी इज्जत रह जाएगी। थिंक अबाउट इट। आई विल ट्राई। थैंक यू। और बताएं? अरे अलिश्पा, तुमने सादान से इजाज़त ली थी सारिम के घर आने की? आंटी, अगर इजाज़त मांगती तो वो कभी नहीं मांगते। यानी कि अगर सारिम यहाँ आ जाता तो तुम मासूम बन जाती कि आंटी उसे घर लेकर आई हैं? आंटी, नीयतों का हाल तो सिर्फ खुदा ही जानता है, और मैंने तो सिर्फ अच्छी नीयत से ही कहा था आपको। ठीक कह रही हो तुम, नीयतों का हाल तो खुदा ही जानता है। इतनी अच्छी नीयत है तुम्हारी तो खुद जाकर ले आओ ना उसे वापस। जी, वो नहीं आएगा जब तक तुम खुद नहीं जाओगी उसे लाने। और ये डिमांड उसने की है आपसे? वो इज्जत से वापस घर आना चाहता है, दोबारा बेइज्जत नहीं होना चाहता। और तुम्हारी नियत में अगर कोई खोट नहीं है तो उसे जाकर ले आओ। वो जैसे यहाँ आएगा हम उसकी शादी प्लान करेंगे, वो खुद अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा तो अपना दुख भी थोड़ा भुला देगा। दवाई ली तुमने? दवाई से ज़्यादा मुझे टेंशन की ज़रूरत है। मेरी टेंशन में कोई कमी नहीं सब। फिर क्यों इतना दूर लगते हो? मैं दूर नहीं हूँ, बस कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे दूर करने लगती हैं। तो नौबत ना आने दिया करो ना ऐसी बातों। मैं नहीं आने देता तुम। खैर छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं। बोल दो कि मैं तो बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए कोई फायदा ही नहीं। समन, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज सायों से डरना छोड़ दो। सायों से नहीं, रियलिटी से डर। समझ, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम हूँ। अच्छा, तो फिर क्यों करते हो आज दिन तक अलिश्पा से बात? या मामू क्यों करते हैं उससे? बाबा, उन पर भी एतबार नहीं तुम्हें। क्यों मिलते हैं उससे? इस चीज का इंतजार है तुम दोनों को? तुम पागल हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। कोई भी लड़की जिसके शौहर को उसे छीनने की कोशिश की जाए ना, वो पागल ही हो जाती है। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मानूंगा। बात तो कुछ ऐसी है। तो फिर फौरन कह डालो,
जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे ख्यालों में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मान सकता। मैंने आंटी से कहा कि वो सारिम को वापस ले। Are you serious? सादान, आप मुझे खुद बताएं ना, कब तक हम घर में ये नफरतें पालते रहेंगे? उससे खुद रिक्वेस्ट की, क्या उसे नदामत है? वो शर्मिंदा तो है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि उसे माफ कर देना चाहिए तो कर दो, लेकिन ये सोच लेना कि तुम अपनी फैमिली को क्या जवाब दो। मेरी फैमिली आप हैं सारा, आप मेरा साथ देंगे तो मैं सब कुछ फेस कर लूंगी। ये तुम्हारा बड़प्पन है अलिश्बा, लेकिन सोच लो, मैंने जमान से कमिटमेंट की है। आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, डोंट वरी। खेल बन गई।